back to my channel. I hope you all are guys doing well. After so long time बाद मैं एक मेकअप लुक लेके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा सटल सा मेकअप लुक और आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है इस टाइप का जो आई मेकअप लुक है. सो मैंने कैसे किया है वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना. एंड गाइज ये समर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है ये जो समर्स के लिए, गर्मियाँ आ गई है. सो शुरू करते हैं फिर से एक बार. हाय बिना मेकअप का हाय. तो अभी मैंने फेस वॉश किया है, बिल्कुल फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बायोटिक का टोनर यूज़ कर रही हूँ. गाइस जो बोतल है वो लवर्ट के, बट मैंने इसमें फिल किया हुआ है क्योंकि उसमें स्प्रे वाला बोतल नहीं आता है. तो पॉन्स का मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ मैं, ऑयली स्किन है मेरी, तो ऑयली स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मॉइस्चराइजर है पॉन्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर. एंड गाइस डॉट एंड की का SPF 50 सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ. गाइस गर्मियाँ हैं, सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, वरना गाइस बहुत ही ज़्यादा सनरेज हार्मफुल होती है, टैनिंग हो जाती है. उसके बाद मैं फेसेस का नंडा का प्राइमर ले रही हूँ गाइज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइमर है. लाइक मैका स्ट्रोब क्रीम होता है ना गाइज, हल्का सा ग्लिटर पार्टिकल्स होते हैं उस टाइप का है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है ये. सच में मेकअप करने के बाद भी इसमें ग्लो आता है, इस बहुत ही अच्छा प्राइमर है ये गाइज. तो मैंने क्या किया, एक कंसीलर लिया मैंने अपने से, थोड़ा सा डार्क कलर का था, उसमें थोड़ा मैंने करेक्टर लिया गाइज. आप पूरा करेक्टर नहीं करना चाहते हो, आपको बहुत सारे डार्क सर्कल नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, हल्का सा कंसीलर में मिक्स कर लेना. एंड फॉरएवर 52 का फोटो मैट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ गाइज. ऑयली स्किन है तो ऑब्वियसली गाइज मैंने बोल रखा है, पहले भी वीडियो बना रखी है कि मैट फाउंडेशन प्रेफर करो समर में. जो गाइज हमें पता है हमें अच्छा लगता है, हमें ड्यूई ग्लोसी मेकअप अच्छा लगता है, बट गाइज वो समर्स के लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है. तो कोशिश करो आप मैट फिनिश ही रखो, मैट फाउंडेशन ही, मैट प्रोडक्ट्स ही यूज़ करो, ज़्यादा ऑयली भी मत यूज़ करो. देखो गाइज मैट फाउंडेशन मैंने बिना लॉक किए हाथ बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था. मैट फाउंडेशन ही यूज करना, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मैट ही यूज करो, अगर मेकअप चाहते हो आप लॉन्ग लास्टिंग हो, आपका मेकअप जल्दी से मेल्ट ना हो. तो मैंने बेस यूज़ कर लिया, उसके बाद मैं कंसीलर ले रही हूँ, शुगर का कंसीलर ले रही हूँ. एंड गाइस ये जो कंसीलर है शुगर का, ये भी मैट है. मैट प्रोडक्ट्स को हमें जल्दी जल्दी ब्लेंड करना आता है, अदरवाइज वो ड्राई हो जाते हैं तो ब्लेंड करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है. तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसको ब्लेंड कर लिया. एंड लवर्स का टिंट ले रही हूँ मैं, चिक टिंट ले रही हूँ गाइज, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे तो ये ब्लशर वगैरह. मेरा बस चले तो मैं पूरे फेस पे ब्लशर ही लगाऊँ, फेस ना लगाऊँ, तो मैं अच्छे से ब्लश अप्लाई कर लूँगी. ब्लश को गाइज मैं पीछे की तरफ मैं ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि गाइज मैं मोटी हो गई हूँ पहले से, तो चिक्स थोड़ा स्लिम दिखाने के लिए तो मैं बैक साइड ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करती हूँ, ताकि एप्पल अप चिक्स पे इतना अप्लाई नहीं करती हूँ. तो अंडर आई पे मैं लॉक कर रही हूँ गाइज, मैं शुगर का ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज़ किया मैंने इसमें, अच्छे से अंडर आई को लॉक कर लेना है. पूरे फेस पे गाइज मैं अभी पाउडर से ही लॉक कर रही हूँ क्योंकि गाइज गर्मियाँ हैं, बेस को अच्छे से लॉक करना चाहिए हमें, अदरवाइज क्योंकि कॉम्पैक्ट से इतना अच्छा लॉक नहीं देता है, इतनी अच्छी बेकिंग नहीं होती है. तो बाकी जो लास्ट फिनिश भी मैंने कॉम्पैक्ट से दे दिया था, बाकी कोशिश करो आपकी पाउडर से ही अपना बेस लॉक करें आप, या फिर क्लाइंट का भी मेकअप कर रही हो. तो कलर सेंस का मैं ब्रॉन्जर ले रही हूँ गाइज, मुझे लिक्विड कंटूरिंग इतना पसंद नहीं है, मैं क्लाइंट पे भी ब्रॉन्जिंग ही करती हूँ. ये ब्रॉन्जर गाइज जैसे मैक का ब्रॉन्जर है उस तरीके का, इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है कलर सेंस की, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, एकदम गॉडी लुक नहीं देता है, बिल्कुल नेचुरल लुक आती है इसमें. IMAGE का ब्लश ले रही हूँ गाइज, एक बार मैंने टिंट यूज़ कर लिया था, फिर भी मैं ऊपर से ब्लश अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि गाइज ब्लश आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ब्लश और हाइलाइटर, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइज, हाइलाइटर से भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ब्लश पसंद है. आपको क्या पसंद है, ब्लश या हाइलाइटर, मुझे कमेंट करके बताओ. एंड मैंने थोड़ा सा कट भी कर दिया है बॉर्डर से, थोड़ा मेरे चिक्स जो है थोड़े से स्लिम लगूँ मैं, फेस थोड़ा स्लिम लगे. आईलिड पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, कंसीलर नॉर्मल मैंने स्विच बूट का यूज़ किया है. एंड गाइज उससे पहले मैं कंसीलर को लॉक करने से पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँ, जो मेरी ये चार आईब्रोज है गंजी आईब्रोज, इसको मैं इन कलर का ब्राउन कलर का ब्राउ पोमेड है इसको यूज़ कर रही हूँ मैं. अच्छे से आईब्रोज को फिल कर लेना है क्योंकि गाइज ऑलरेडी यू कैन सी कि मेरी आईब्रोज जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बिल्कुल बोलते ना बहुत ही ज़्यादा लाइट है. तो मैं अच्छे से फिल कर लेती हूँ अपनी आईब्रोज को, इन फ्रंट पे लाइट ही रखना है गाइज. मैं ये भी चेक करती हूँ कि मेरा बेस मेरे हाथों से ज़्यादा फेयर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा बेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि फेस अलग लग रहा हो एंड हैंड्स अलग लग रहे हैं.
तो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पूर्व बॉडी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही मैं बेस जो है वो करती हूँ, चाहे मेरे क्लाइंट हो या फिर चाहे मैं हूँ। अपने क्लाइंट का फेस भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना फेस समझ के मेकअप करती हूँ कि ये मेरा ही फेस है। तो मैं एक लाइट सा पीच कलर का आई शेडो लेके मैंने ब्लेंड कर दिया गाइज, बिल्कुल सिंपल सा आई मेकअप है। उसके बाद मेटालिक शेड ले रही हूँ गाइज, मेटालिक को फिंगर से ही अप्लाई कर लेना है गाइज। ये मेकअप जो है ना, जिसको मेकअप का एम भी नहीं आता वो भी कर सकता है, इतना इजी आई मेकअप है। नॉर्मल आई शेडो लेके ब्लेंड कर दिया एंड मेटालिक शेड, तो हम जो जिसको मेकअप नहीं आता घर पे मेकअप करते उनको भी आता ही है सब, जो मतलब लेडीज़ को तो आता ही है। तो पिंक थोड़ा पीच के साथ मैं ये थोड़ा सा पर्पल टाइप का, पिंक पर्पल टाइप का है आई काजल टाइप का है ये, लिड पे यूज़ करते हो बट मैं इसको क्या है एज अ लाइनर यूज़ करी। उसके बाद ये थोड़ा पर्पल पिंक पर्पल दोनों टाइप का आई शेडो है, इसको अच्छे से ऊपर से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ताकि और भी ज़्यादा पॉप आउट हो मेरा आई शेडो। हल्का सा विंग रेड कर रही हूँ इसी कलर का ही। अब गाइस देखो आई मेकअप कितना सटल सा, आजकल आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा इस टाइप की आई मेकअप कितने ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बिल्कुल सटल सा आई मेकअप और हैवी लेसेस यूज़ करने वाली हूँ गाइस मैं। फिर से हल्का सा मैंने मेटालिक का टचअप दे दिया था, लोअर लैश लाइन में मैं ब्लैक नहीं करूँगी। अब मैं पीच कलर का आई शेडो ले रही हूँ, पीच कलर का आई शेडो अच्छे से मर्ज करना है पीछे के विंग के साथ भी, इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट करना है क्योंकि गाइज इस आई मेकअप में हाईलाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड अब अपनी चार लेसेज जो भी हैं मेरे, तो चार ही लेसेज है, उसको अच्छे से कर्ल कर लूँगी, मस्कारा कर लूँगी, दो चार कोट कर लूँगी क्योंकि गाइज मेरी इतनी अच्छी हैवी लेसेज नहीं है क्योंकि मैं पूरी गंजी हूँ, मेरे सर में भी गंजे वाले नहीं है, बहुत ही लाइट हेयर्स मेरे। तो गाइस लोअर लैश लाइन में मैं डबल ट्रिपल कोट करती हूँ ताकि मेरी लैशेज जो है वो कितनी विजिबल हो रही है आप देख सकते हो, तीन से चार कोट कर लेना। एंड ये गाइस मिंक लैशेज यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी हैवी लैशेज है। एंड इस लैशेज ये कौन सी है कहाँ से ऑर्डर किया है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी गाइस। बहुत ही अच्छी फ्लटरी और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लैशेज ये। एंड गाइस लैशेज लगाते ही देख रहे हो पूरी आई मेकअप की लुक ही चेंज हो गई। एंड दोबारा आपको एक वही आई शेडो लेके आप जो लैश बैंड है वहाँ पे जरूर अप्लाई कर लेना, इससे पूरी फिनिशिंग आती है। एंड इनर कॉर्नर पे जो हमारा लैश बैंड है गाइस अलग सा ही लग रहा था, तो मैंने ब्लैक आई शेडो लेके उसको इनर कॉर्नर पे ज्वाइन कर दिया, इससे ये लग रहा है कि मेरी आई लैशेज अलग से नहीं लग रही है। तो गाइज हमारा आई मेकअप वैसे डन हो गया है, बाकी मैं सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ, मैं ग्लैम 21 का सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये सेटिंग स्प्रे है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइड्रेट कर देता है, ये इंस्टेंट ग्लो दे देता है गाइज, बहुत ही अच्छा है ये। एंड मेरा फेवरेट हाईलाइटर जो है मेकअप रेवोल्यूशन का हाईलाइटर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड हर कोई पूछता है कि कौन सा हाईलाइटर यूज़ किया है गाइज, मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाईलाइटर यूज़ करती हूँ गाइज। एंड इसको अपने हाइएस्ट पॉइंट पर अप्लाई कर लूँगी लाइक एप्पल अप चिक सीन, नोज पे भी अप्लाई कर लूंगी गाइज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड न्यूट की आज मैं लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ 11 नंबर के, बट गाइज ये ज़्यादा ही ब्राइट लग रही थी तो मैंने इसमें एक थोड़ा सा मॉफ टाइप का शेड मिक्स कर लिया था, पिंक और पीच और मॉफ टाइप का मिक्स करके मैंने ये शेड क्रिएट किया गाइज। वाओ बहुत ही ज़्यादा सटल लग रहा है ना इस मेकअप को गाइज, आप एंगेजमेंट मेकअप लुक में भी दे सकते हो। एंड गाइज थोड़े से मैंने हेयर कर्ल्स कर लिए थे ताकि फुल फिनिश लुक दिखा सकूँ मैं आपको, एंड थोड़ा हेयर एक्सेसरी अप्लाई करने के बाद गाइज हियर इज़ द फाइनल लुक, लग रहा है ना कतई जहर वाला मेकअप लुक गाइज, आजकल ऐसा ही मेकअप ट्रेंडिंग में है। एंड गाइज बेस भी आप इसी तरह से लगाना, आपका बेस भी समर में लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपका भी कंप्लेंट नहीं आएगी, मेकअप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। हमें पता है हमें ग्लॉसी मेकअप अच्छा लगता है, बट गाइज समर में ये सब मत करो, ये मेकअप दो चार घंटे में ही मेल्ट होके निकल जाता है, तो आप मैट फिनिश में भी बहुत अच्छा अच्छा मेकअप लुक हो सकता है। सो गाइज मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज आप भी ज़रूर रिक्रिएट करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।